हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। जनता की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों की रचना की गई है, लेकिन जब सुविधा मुहैया कराने के बदले यदि अधिकारी ही भक्षक बन जाए तो जनता जाए किस ओर, यह बड़ा सवाल आज उपस्थित हो रहा है। ऐसा ही एक मामला पारधी नगर क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां महावितरण के कर्मचारियों ने गड़बड़ी का खौफ दिखाकर फरियादी से 50,000 की घूस ली है। दरअसल 16 अप्रैल के दोपहर 3 बजे के दौरान महाराष्ट्र विद्युत मंडल के 4 अधिकारी पारधी नगर निवासी राजेंद्र वाजुरकर 56 वर्षीय के घर पर गए। उस समय उनकी पत्नी घर पर थी और राजेंद्र अपनी धनलक्ष्मी ज्वेलर्स नामक दुकान में काम कर रहे थे। उसी बीच इन चारों कर्मचारियों ने विद्युत मीटर जांचा और राजेंद्र की पत्नी से कहा कि आपके मीटर में गड़बड़ी है और आपने अभी तक लगभग 2,94,000 की हेरा फेरी इसके माध्यम से की है, जिसे सुनकर उनकी पत्नी ने राजेंद्र को फोन किया और घर पर बुलाया। तभी मौके पर मौजूद अपराधी एवं महावितरण का उपकार्यकारी अधिकारी दिलीप फुंडे ने लाखों की हेरा फेरी का खौफ दिखाया, तो वही दूसरा कर्मचारी जिनका नाम जगदीश वर्मा बताया जा रहा है, वह राजेंद्र को कोने में ले गया और सेटलमेंट के लिए 50,000 की मांग की। डरे सहमे फरियादी ने आखिर 50,000 भी दे दिए, जो उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए रखे हुए थे, जिसे लेकर चारों कर्मचारी जिनका नाम दिलीप पुंडे, तेजस्वर पिने, जगदीश वर्मा, साथ ही साथ भूषण अंबादे बताया जा रहा है, जो लेकर चले गए। उनके जाने के बाद राजेंद्र निकटतम महावितरण कार्यालय पर पहुंचे और पूछताछ की, जहां उन अधिकारियों ने भी बताया कि ऐसी कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जिसके चलते मामले की गंभीरता को समझते हुए फरियादी ने MRTC पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पारधी नगर में जागृति मंच और पुलिस पर जनाधार संगठना की सहायता से चारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विषय में जानकारी दी है MRTC पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नितिन चंद्र राजकुमार ने। पुलिस स्टेशन MRTC हद्दी राजेंद्र गोविंदराव वाजुरकर, वय 56 वर्ष, राहणार पारधी नगर, हिंगणा रोड, MRTC नागपूर, यांना त्यांचे ज्वेलर्स, धनलक्ष्मी ज्वेलर्सच्या दुकानात बसले असताना त्यांना त्यांच्या पत्नीचा फोन आला की घरी MSEBचे कर्मचारी आलेले आहेत आणि तुम्ही लवकर घरी या। तर वाडजुरकरजी हे घरी गेले असता तिथे त्यांना 4 MSEBचे कर्मचारी त्यांच्या घरी हजर होते। तर वाडजुरकर यांनी त्यांना विचारपूस केली की काय झालेलं आहे, तर त्यापैकी त्याचे MSEBचे एक अधिकारी होते त्यांच्यासोबत, दिलीप फुंडे, उपकार्यकारी अभियंता, यांनी त्यांना सांगितले की आम्ही तुमचं मीटर चेक केले असता तुमचं मीटर फॉल्टी आहे आणि त्याकरिता तुम्हाला ते मीटर आम्हाला काढून न्यावं लागेल, तुमची लाईन बंद करावं लागेल आणि जवळपास तुम्ही MSEBचं 2,00,000 रुपयाचं नुकसान केलेलं आहे। तर वाडजुरकर जी अचानक म्हणजे घाबरले की सर आमचं मीटर काही फॉल्टी नाही आहे, आणि त्या कर्मचाऱ्याने त्यांना विद्युत बिल मागितलं असता वाडजुरकरजींनी लगेच सादर केलं आणि त्यांना सांगितलं की आमचं मीटर काही फॉल्टी नाही आहे आणि आम्ही काही त्याला केलेलं नाही आहे। तर त्यांनी म्हटलं की नाही, तुमचं मीटर फॉल्टी आहे, आम्ही तुमचं मीटर काढून देऊ आणि तुम्हालासुद्धा आमच्यासोबत MSEB कार्यालयात यावं लागेल। तर ते अचानक घाबरले, तर त्यांच्यापैकीच एक जगदीश वर्मा म्हणून जो चालक होता त्या चालकाने वाळजुरकरजींना बाजूला नेले आणि म्हटले की मी इथल्या इथे मॅटर सेट करून देतो, तर काही पैसे तुम्हाला द्यावं लागतील। तर वाळजुरकरजींनी विचारलं किती पैसे द्यावं लागतील, तर त्यांनी सगळं त्यांचं हे झाल्यावर 50,000 रुपये त्यांनी म्हणजे मागितले। तर वाळजुरकरजींनी त्यांना, वाळजुरकरजींचं ज्वेलर्सचं दुकान असल्यामुळे त्यांनी व्यापारासाठी ठेवलेल्या पैशापैकी 50,000 रुपये लगेच बोलावून त्यांना दिले। दिल्यावर ते MSEBचे जे 4 कर्मचारी होते त्यापैकी दिलीप फुंडे आणि त्यानंतर तेजेश्वर पिने, जगदीश वर्मा आणि जगदीश भूषण अंबादे हे तेथून निघून गेले। तर लगेच वाळजुरकरजी जवळच्या महावितरण कार्यालयात गेले असता त्यांनी तिथले जे हजर अधिकारी होते त्यांना याबाबत सांगितले, तर तिथली महावितरणचे अधिकारी यांनी माहिती दिली की असेच प्रकार आपल्या परिसरात 2 ते 3 ठिकाणी सुद्धा झालेले आहेत आणि मला अशा तक्रारी आलेल्या आहेत की MSEBचे 4 लोक येतात आणि डिमांड करतात आणि कोणतीही कागदी कारवाई न करता पैसे घेऊन निघून जातात। तर वाळजुरकरजींचा संशय अचानक बळावला, तेवढ्यातच वाळजुरकरजींना पारधी नगरमधूनच म्हणजे त्यांच्या राहत्या ठिकाणाहून फोन आला
की तुम्ही इकडे या, काही लोकांना आम्ही थांबवलेलं आहे. तर वाळजोरकर जी तिथे गेले असता त्यांना ते त्यांच्या घरी आलेले चार लोक भेटले, तर त्यांनी त्यांना ओळखले आणि तिथे भरपूर लोक जमले असल्याने जागृत मंचचे बिगडोचे कार्यकर्त्यांनी त्यांना तिथे थांबवून ठेवले होते. तर याच प्रकारे पोलीस स्टेशनला सुद्धा अशा तक्रारी प्राप्त होत असल्याने आमच्या पोलीस स्टेशनद्वारे सुद्धा ट्रॅप लावण्यात आलेला होता. तर पण गाडीचा नंबर माहीत पडला माहीत नसल्याने यश प्राप्त होत नव्हते. पण आज ही माहिती मिळाल्याने लगेच पोलीस स्टाफसुद्धा तिथे रवाना झाला व ही चार MSBचे चार कर्मचाऱ्यांना गाडीसह इथं आणण्यात आले. तर जे राजेंद्र वाळजोरकर गोविंदराव वाळजोरकर जी आहेत त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन कायदेशीर फिर्याद दिल्याने ह्या MSBच्या चारही कर्मचारी यांना पोलीस स्टेशनला त्यांच्या विरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली. जो महावितरण जनता को सुरक्षा एवं प्रकाश की प्रतिबद्धता का दावा करता है उसी विभाग की कर्मचारी आज जनता आहारी हो रही है, जो काफी चिंतनीय स्थिति है. चार लोग घर पर आना और फिर लाखों की गड़बड़ी का आरोप मकान मालिक पर लगाना यकीनन किसी की भी रूह कांप जाएगी. उसी तरह वाळजोरकर दंपति भी इस ना किए हुए पाप में खुद को दोषी पा रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली. उनका उस वक्त का डर क्या था और किस प्रकार से उन्हें टॉर्चर किया गया और घूस की मांग की गई है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. मेरा नाम राजेंद्र वाळजोरकर है. वो मेरे घर में आए थे चार लोग. उन्होंने चेक किए मीटर. चेक करने के बाद उन्होंने ऐसा बोले कि इसमें फॉल्टेड दिख रहा है. तो मैंने चेक करो अच्छे से. मैंने बोला 10-12 साल से वही मीटर है. और उसके बाद में वो हमको परेशान कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे. मैंने पैसे काय के लिए पैसे देंगे, हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पैसे मांगने की क्या जरूरत थी उसमें. तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे 50,000 मांगे. उन्होंने भ्रष्टाचार का आर्थिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो. जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है. इसी व्याख्या के अनुरूप इन चारों भ्रष्ट कर्मचारियों ने मात्र वाजर का ही नहीं तो वही कई लोगों को लूटा है, जिससे अब जनता प्रशासन पर विश्वास कैसे करे और आखिर क्यों करे, यह सवाल उपस्थित हो रहा है. आज भारत देश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और इसकी जड़ें तेजी से फैल रही है. यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा. भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यंत व्यापक है. जीवन का कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है. यदि हम इस वर्ष की ही बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मौजूद है जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं. जैसे IPL में खिलाड़ियों की स्पॉट फिक्सिंग, नौकरियों में अच्छी पोस्ट पाने की लालसा में कई लोग रिश्वत देने से भी नहीं झुकते हैं. आज भारत का हर तबका इस बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह सेटलमेंट की दृष्टि से मांगी गई रकम डरा धमका कर ली गई है, जिसकी उपमा यकीनन फिरौती से की जाए तो अन्य नहीं होगा. उसी तरह इस मामले को पूरी तरह तल में दबाने के लिए साथ ही साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ ना देने के लिए इन भ्रष्टाचारियों ने पुलिस बॉयज संगठन के अध्यक्ष राकेश करंटी को भी 10 लाख की घूस देने का प्रयास किया, लेकिन राकेश इनके झांसे में नहीं आए, जिसका पूरा हवाला उन्होंने बताया है. मैं राकेश करंटे, पुलिस बॉयज जनाधार संघटन संस्थापक अध्यक्ष. एक महिन्यापासून आमच्या डिग्डो साई नगर MIDC एरियामध्ये काही फेक बनावट बनून MSBचे अधिकारी एरियामध्ये फिरत होते. काही दिवसापहिले 3 दिवसाआधी किशोर फाटकर साई नगर रहिवासी यांच्या घरी काही MSB फेक बनावट अधिकारी बनून त्यांच्या घरी आले, त्यांचं मीटर काढलं. मीटर काढल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला MSBचे फेक अधिकारी हे धमकवण्याचा प्रयत्न करत होते, म्हणजे खंडणी बसून करत होते. असंच त्यांनी आज आमच्या स्पर्धीनगरमधले काही व्यापारी आहेत त्यांच्या घरी पण असंच केलं. तर पोलीस बॉय जेवढे पण होते त्यांनी हा जो प्रकार आहे पोलिसांच्या लक्षात आणून दिला आणि यांना पकडण्यामध्ये आम्हाला यश आलं. अरे यार, भ्रष्टाचार यह एक संक्रामक रोग की तरह है. समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए. आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है, जिससे आगे यह देखना रोचक रहेगा कि ऐसे मामलों का भविष्य कैसा होगा, साथ ही क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा अथवा नहीं होगा. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट.